Hello everyone, I am Dr. Monika Saxena from KCMT College, Bareilly. Today my topic is bacteria. What is bacteria? हम साइंस की एक ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी, उसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं. बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, अदर ऑर्गेनाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स भी एब्सेंट होते हैं. बैक्टीरियम की फुल फॉर्म बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया की स्टडी सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनकी स्टडी लुइस पाश्चर ने की थी. बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं. बैक्टीरिया आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बेस्ड ऑन बेसिक माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग प्रोसीजर कॉल्ड ग्राम स्टेन. एक क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक दी थी जिसमें जो बैक्टीरिया उनके स्टेन से स्टेन्ड हो गए वो ग्राम पॉजिटिव और जो स्टेन नहीं हुए वो ग्राम नेगेटिव थे. देन इसमें आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसमें सिंपली बाहर की तरफ कैप्सूल है जो इसे प्रोटेक्ट करता है, अंदर सेल वॉल है, फ्लैजलम जो कि इसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पाइलस है, पाइलस इसको कॉन्जुगेशन में और अटैचमेंट में हेल्प करता है, प्लाज्मिड्स आर ऑल्सो हेयर, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर ऑल्सो हेयर, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड क्रोमोसोमल डीएनए इज ऑल्सो हेयर. देन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स आर हेयर, कोकस शेप यानी राउंड शेप. बैक्टीरियल में रॉड शेप्ड भी होते हैं जो हम बैसिलस बोलते हैं, और विप्रियो यानी कोमा शेप्ड, स्पायरोचीट्स, स्पिरुलिना एट्सेट्रा. देन साइज ऑफ बैक्टीरिया, कोकाई आर ट्रू स्फेयर्स विद डायमीटर रेंजिंग बिटवीन 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर. बैसिलाई वेरी इन लेंथ फ्रॉम 2 टू 10 टाइम्स देयर विथ. कोको बैसिलाई आर वेरी शॉर्ट बैसिलाई. Filaments are long threads of bacilli which have not separated into single cells. Then here are the enrolled structure of bacterial cell. जिसमें आप देख सकते हैं इसमें lipid globules हैं, glycosans, RNA, mesosomes. Mesosomes just like is respiratory enzyme structure. And cell wall is here, respiratory enzymes are here, pilus, filaments, hook, basal body. जिसमें आप देख सकते हैं बेसल बॉडी से फ्लैजलम निकला हुआ है, साइटोप्लाज्म है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्लूजन्स एंड बॉडीज हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड एट्सेट्रा जिसे हम डिटेल में अभी आपको बताएंगे. सबसे पहले फ्लैजलम. फ्लैजलम फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है और द बेसल बॉडी ट्रावर्सेस द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टू एंकर द फ्लैजलम and enables it to whirl about its axis like a propeller. Flagella के basis पर bacteria अलग अलग तरह के होते हैं. अब जैसे किसी bacteria में अगर flagella absent है तो वो atricus कहलाएगा, अगर एक single flagellum है तो monotricus, और lophotricus means यानी झुंड में होना, बहुत सारे flagella एक संग होना, peritricus यानी चारों तरफ flagella का होना. Then function, flagella give bacteria the ability to move about activity. अब आप ये structure देख सकते हैं flagella का. इस structure में outer rings हैं, inner rings हैं, बीच में एक rod shaped structure है और ऊपर की तरफ flagella है जिसमें आप hook देख सकते हैं, hook में है आगे. ये different type के bacterial structures हैं जिसमें flagella की position दिखाई गई है. Next capsule. The capsule of most bacteria consists of polysaccharides. The bacteria of a single species can be classified in different capsular serotypes based on the fine chemical structure of this polysaccharide. इसके क्या functions होते हैं? Attachment to surface, surface पर attachment में help करता है. Protection against phagocytic engulfment, occasionally killing or digestion. यानी इस सेल को बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है. रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन.
Then plasma membrane, it's very important. Plasma membrane in bacteria are composed of phospholipids, contain polar group attached to 3-carbon glycerol backbone. These are also two fatty acid chains dangling from the other carbons of glycerol. अब इसमें दो एंड्स होते हैं, आप देख सकते हो इसके डायग्राम में जो पर्पल कलर से दिखाया, दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं. जो हाइड्रोफिलिक है इट मींस वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मींस वाटर फियरिंग. देन मेम्ब्रेन्स आल्सो कंटेन प्रोटीन्स, टिपिकली 20-30% ऑफ मेम्ब्रेन. मोस्ट ऑफ देम आर प्लेस्ड इन द मेम्ब्रेन सो दैट द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स एसोशिएट विद द लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन एंड द हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स आर आउटसाइड द मेम्ब्रेन इंट्रैक्टिंग विद आइदर द साइटोप्लाज्म. फंक्शन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन दैट इट हेल्प्स कंट्रोल व्हाट मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ इट्स सेल. देन ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. इसमें बायोलिपिड लेयर, बाकी ग्लाइकोलिपिड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स सिखाई गई हैं. पूरा इसका जनरल स्ट्रक्चर है ये. देन प्लाज्मिड और क्रोमोसोम, द सेलुलर न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड लोकलाइज्ड इन साइटोप्लाज्म. यानी जो डीएनए है इसका किसी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है, साइटोप्लाज्म में है. देन इस फाइबर्स आर कॉल्ड क्रोमैटिन, ईच फाइबर बिल्ड सो कॉल्ड क्रोमोसोम. द प्लाज्मिड्स ऑफ ह्यूमन पैथोजन बैक्टीरिया ऑफन बियर इंपॉर्टेंट जीन्स determining the phenotype of their cells. Then cytoplasm and ribosomes, the cytoplasm contains large number of solutes, low and high molecular weight substance, RNA and approximately 1000 ribosomal cells. Bacteria have 70S ribosome, yani 30S and 50S subunit. S means Swedberg unit. Its function, ribosomes as the organelles for protein synthesis. Cell wall में सबसे important चीज़ जो layer है वो है murine, peptidoglycan. The most important structural element of wall is murine, a net-like polymer material surrounding the entire cell. It is made up of polysaccharides chain cross-linked by peptides. Then its functions, the cell wall maintains the overall shape of bacterial cell. The cell wall is an essential structure that protects the cell protoplast from mechanical damage and from osmotic rupture or lysis. Thank you very much for viewing and listening. Have a nice day.